फायदे क्या है अल्पी की सबसे कमर में दर्द नहीं होता है ना अच्छा और आफ्टर प्रेगनेंसी अगर इसे खाए ना कह रहे तो हड्डी हड्डी जोड़ देती अच्छा, और, जोड़ है अच्छा ठीक है सर्दी भी नहीं लगती सर्दी में सर्दी नहीं लगने देती और प्रेगनेंसी में हड्डी हड्डी जुड़ जाएगी और तीसरी फायदा आपने कौन सा बताया कमर दर्द कमर दर्द के लिए बेहतरीन चीज है जोड़ों के दर्द के लिए बड़ी पप्पो भी बताएंगे पप्पू आप भी अपनी कोई विशेष टिप नहीं दे दो तो चीज है देसी और बिल्कुल प्योर मतलब कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है सारी नहीं नहीं नहीं। चीज डाल, डाल के अच्छी तरह फायदे फायदे आप फायदे बताए टमा के लिए हड्डियों के लिए ज्वाइंट पेन के लिए ठीक हो गया मतलब प्रेग्नेंट औरतें भी खा सकती हैं हाँ और आफ्टर आफ्टर डिलीवरी भी खा सकती हैं बिल्कुल ठीक ओके असलम एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ अली और आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों के साथ एक स्पेशल चीज़ शेयर करने लगी हूँ वो है अलसी के लड्डू जिसको पिनिया भी कहते हैं और भी पता नहीं क्या कुछ कहते हैं ये ख़ासकर सर्दियों में ही बनाई जाती हैं अलसी के बनते हैं या लड्डू चावलों के बनते हैं और भी पता नहीं क्या चीज़ें मिक्स करके बनाई जाती हैं ये मेरी मम्मा ही बनाती हैं मोस्टली मेरी दादो बनाया करती थी और मेरी मम्मा ने भी अपनी आ, जो मम्मा है उनसे और यानी कि मेरी नानी और मेरी दादी इन्हीं से सीखा और अब मम्मा बना लेती हैं यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो काट के रखा है इनमें डालने के लिए उनको मिक्स कर रहे हैं ये जी डिमांड है मेरी छोटी पुप्पो की उनको उनकी फरमाइश थी कि मैंने ये खाना है और बड़ी पप्पो से उन्होंने अलसी और सूजी मंगवाई और मम्मा से उन्होंने कहा जी आप बना के देंगी क्योंकि उनको बनाना नहीं आता तो अभी यहाँ पर अलसी और जो सूजी है इसकी क्वांटिटी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ये मेरी रेसिपी नहीं है मुझे बनानी भी नहीं आती मेरी मम्मा और पप्पो सब लोग मिलके बना रहे थे और उन्हीं की रेसिपी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज आप लोग भी बना के ट्राई कीजिएगा आप लोगों के घरों में भी बनती होंगी और ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छी होती हैं ये खानी चाहिए प्रेगनेंसी में भी खा सकते हैं बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं खा सकते आप लेकिन बाद में खा सकते हैं डिलीवरी के बाद भी खा सकते हैं इसके अलावा घर के जो बुजुर्ग हैं वो खा सकते हैं या देखें जी ये है अलसी इसको पीस लिया गया है अलसी के जो बीज होते हैं ना वो मैं यहाँ पर आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ इस तरह की होती है ये अलसी जो कि इस तरह के छोटे छोटे से दानेदार सी होती है लंबे लंबे से छोटे थोड़े थोड़े से इस कलर में और इसको अच्छी तरह से सबसे पहले जो ड्राई किया ड्राई करने के बाद इसको पीस लिया गया है पीसने से पहले ना इसको भूनना है आपने हल्का हल्का सा भूनने के बाद फिर आपने इसको इस तरह से ग्राइंड करना है एक किलो इसमें ली है जी अलसी और एक किलो इसके अंदर जाएगी सूजी आप जो सूजी है ना इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं आपकी अपनी मर्जी है अगर आपको पसंद नहीं है आप कम भी कर सकते हैं ये आपके अपने टेस्ट के मुताबिक है आप कम ज्यादा इसको कर सकते हैं और देसी घी लिया है आधा किलो है जो कि वो भी इसके अंदर जाएगा बाकी ये जो नट्स वगैरह हैं वो रोस्ट किए हुए हैं रोस्ट नहीं किए सॉरी ऐसे ही हैं काजू और जो एक जो पीनट्स वगैरह हैं वो आप रोस्ट रोस्ट भी कर सकते हैं बट ये सिंपल वैसे ही है अच्छा जी अब कढ़ाई लेंगे कढ़ाई के अंदर आपने इसको भून लेना है आपने अगर यहाँ पे एक चीज़ जो कि आप लोगों को बताती चलूँ मैं अलसी अगर आप लोगों ने पीस ली है लेकिन आपने उसको भुना नहीं था पहले तो यहाँ पे आप दूसरा काम ये कर सकते हैं आप इसकी भुनाई कर सकते हैं सबसे पहले आप अलसी को भूनेंगे यहाँ पे देन आप सूजी डालेंगे ये क्योंकि अलसी जो है वो पहले से ही भुनाई उसकी की हुई है जितनी चाहिए थी जितनी ज़रूरत होती है हल्की हल्की सी और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ये सूजी अब यहाँ पे सूजी जो थी वो बिल्कुल आ, फ्रेश है इसको इसकी भुनाई नहीं की गई थी अब इसके अंदर जब आ, आपको लगे इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसको जला नहीं देना बस हल्का सा आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि जो एक कच्चापन होता है ना वो बिल्कुल इसके अंदर से ख़त्म हो जाए और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे हम अलसी और दूसरी बात ज़रूरी नहीं है कि पहले ये डालो दूसरा ये डालो आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा भी डाल के इनकी भुनाई कर सकते हैं हमने यहाँ पर मेरी मम्मा ने ये चीज़ें इसलिए क्योंकि जो अलसी थी वो पहले से ही उसकी जो है बुनाई हल्की सी कर रखी थी ठीक है अब इसके अंदर क्या करेंगे जी ये नट्स जो भी थे, जो जो भी थे आपको आपको पसंद अखरोट आपको पसंद है आपको मूंगफली वगैरह जैसा कि पिस्ता बादाम है इसके अंदर बादाम है सिंपल जो भी आपको अच्छा लगता है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा आप डाल सकते हैं अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ना भी डालें तो भी खैर है तो ये आप लोगों ने खुद देखना है अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना हल्की हल्की बुनाई करनी है ज़्यादा बुनाई नहीं करनी जलाना नहीं है उसके बाद जो उत, बाद में इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर देसी घी अब यहाँ पे जो देसी घी है ना वो जमा हुआ था उसको मेल्ट करने में थोड़ा मसला हो रहा था इसलिए फिर इसको अलग से निकाल लिया निकालने के बाद आ, दूसरे चूल्हे पर इसको मेल्ट कर लिया ताकि ईजिली ये जो है इसके अंदर मिक्स uh, हो जाए वो उस तरीके से भी हो सकता था लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए ताकि आप लोगों को दिखने में भी पता चले कितनी क्वांटिटी है और आसानी हो जाए इसलिए दूसरी जगह पे मेल्ट करके दिखा दिया कि इस तरीके से आप उसको पिघला लीजिए और फिर आप देसी घी को इसके अंदर डाल दें देसी घी की जो क्वांटिटी है न, ना बहुत ज़्यादा ना रखिएगा इतनी ही रखिएगा जितनी मैं क्वांटिटी बता रही हूँ वरना वो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली सी हो जाएंगी और दूसरी साइड पे यहाँ पे तैयार करेंगे शीरा जो कि इसके अंदर जाएगा मिठास के लिए तो चीनी जो है वो एक किलो ली है अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आप चीनी की क्वांटिटी कम रख लें और एकदम आप लोगों ने इसमें नहीं डालना वो अभी आपको मैं बताऊंगी आगे आगे जैसे जैसे मेरी लोग ये बनाते जाएंगे ये सब लोग तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती जाऊँगी आप लोग देखते रहे अब ये देखिए चीनी जो है ना इसके अंदर पानी डालेंगे थोड़ी सी क्वान्टिटी पानी की डालेंगे और उसके बाद बनाएंगे हम इसके वो शीरा सा जो बन जाएगा अब अच्छा यहाँ पर जो एक इम्पॉटेंट चीज़ है आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना मतलब कि जो ये जिसका जो शीरा तैयार करेंगे ना इसकी जो क्वांटिटी है वो आपने इतनी ज्यादा पका पका के ऐसा नहीं करना कि पक पक के उसकी तार सी बनना शुरू हो जाए यहाँ पे मेरी मामा क्या कर रही थी चेक कर रही थी कि उनको फील हो रहा था कि थोड़ा सा पतला रखना है गाढ़ा रखना है वो फिर उस हिसाब से आप भी अपने हिसाब से पानी देख लीजिएगा मतलब अगर सिंपल बताऊँ एक किलो चीनी थी और इसमें दो गिलास पानी थे जो कि ऐड किए थे बट फिर भी अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इसके अंदर अपनी चीज़ों की क्वांटिटी के हिसाब से ना अगर आप लोगों ने कम ज़्यादा करना हो तो उस तरीके से आप लोग इसके अंदर ऐड करिएगा पानी और उस इतना ज़्यादा नहीं पकाना कि अगर ज़्यादा पकाएंगे ना ये शीरा जो इसका है तो ये जो लड्डू इसके बनेंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगे और वो टूटेंगे भी नहीं अगर आप चाहते हैं कि सॉफ़्ट लड्डू बने तो ज़्यादा नहीं पकाना आपने ये जो शीरा है और उसके बाद आपने ये जो मटेरियल आपने तैयार किया हुआ था अलसी और सूजी का इसके अंदर आप लोगों ने मिक्स कर देना है तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल है एक किलो चीनी है एक किलो सूजी है एक किलो चीनी सॉरी अलसी है बाकी जो पीनट्स वगैरह नट्स वग़ैरह हैं वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लें और उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर ऐड करनी है अच्छा यहाँ पे जो दूसरी चीज़ आपने जितना ये शीरा बनाया है सारा एकदम नहीं डाल देना समटाइम ऐसे हो जाता है कि क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है वो बिल्कुल पतला पतला से हो जाता है उसके फिर लड्डू नहीं बनते या तो बहुत सख्त हो जाते हैं या बहुत पतले से हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके आपने डालते जाना है और आपने देखते जाना है कि कितनी इसके अंदर जो थिकनेस है वो आ गई है ज़्यादा पतला भी ना हो ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो तो आप ये देखते जाए अब यहाँ पे मेरी मामा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी और इसको मिक्स किए जा रही थी और जब उनको लगा कि ये ठीक है जी मिक्स हो गया है और इतनी ही इसकी थिकनेस जो है क्वांटिटी चाहिए और उन्होंने उसके बाद क्या किया ख़त्म कर दिया चूल्हे के ऊपर से ही इसको उतार लिया बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाया बहुत आसान और बहुत जल्दी बन जाने वाली है यहाँ पे जो है ना सब टेस्ट कर रहे थे कि चीनी वगैरह मीठा वगैरह कैसा है बिल्कुल एकदम हर चीज़ परफेक्ट थी यहाँ पे मैं आपको क्लोज करके दिखा रही थी देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी जिसकी थिकनेस है वो इस तरह की रखनी है बस जी ये था इसका काम इनके लड्डू जो हैं वो हो चुके हैं तैयार जब तक इसके बनते हैं फाइनल इसको देते हैं टच इसके लड्डू बनाएंगे उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ बाकी चीज़ों को भी इंस्टाग्राम को भी फ़ॉलो कर लीजिए कर लीजिए प्लीज़ उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ओके जी फाइनली और उसके बाद जी ये हो गए हैं लड्डू की जो फाइनल उसकी जो तैयारी है वो शुरू है अब यहाँ पे आपने अपने हिसाब से लड्डू बना लेने हैं जितने आपको चाहिए आपने बड़े साइज़ के बनाने हैं बड़े साइज के बना ले अगर छोटे छोटे साइज के बनाने हैं जितना आपको लगता है आप खा सकते हैं आप इसको नाश्ते में ले सकते हैं सुबह के नाश्ते में आप खा सकते हैं रात के टाइम आप चाय के साथ दूध के साथ खा सकते हैं दिन में जब आपको अच्छा लगे आप खा सकते हैं आपकी अपनी मर्जी है जिस टाइम आप चाहें आप ले सकते हैं और इसके जो फ़ायदे हैं वो स्टार्टिंग में मैंने आपको सबसे पूछ के बता दिए आई होप आप लोगों को भी ये बहुत अच्छे लगेंगे इसको ट्राई कीजिएगा बड़े आप नहीं खाते तो अपने घर में अपने बुजुर्गों को ज़रूर बना के दीजिएगा उन्हें बहुत पसंद आएंगे तो जी ये तो थी हमारी आज की रेसिपी मेरी बुपो तो हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश ढेरों ढेर दे रही थी दुआएँ आप लोग भी बनाएँ बना के दूसरों को खिलाएँ और लें दूसरों से ढेरों ढेर दुआएँ इन शाह तला जी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वीडियो को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा लाइक कीजिएगा मेहनत को भी थोड़ा सा सहरा दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय बाय